खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। माना तेरे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। समय को व्यर्थ न करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। ये आज का दिन जो आपको बड़ी किस्मत से मिला है यही आपका अवसर है, इसे जाया ना करो। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर उदड सका वही जिंदा है। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। अगर आप जिंदगी की दौदड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, औकात पूछते हैं। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुहक, दूसरों का सुख, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बारह से नहीं। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ी डरता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रींट से आशियों बना लेता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल कर दिखाओ। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें जरूरत है बस उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। देर से बनो, लेकिन कुछ जरूर बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते हैं, औकात पूछते हैं। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुहक, दूसरों का सुख, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी।
जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बारह से नहीं। अच्छा समय कभी नहीं आता, बल्कि समय को ही अच्छा बनाना पड़ी रहता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रींट से आशियों बना लेता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल कर दिखाओ। अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें जरूरत है बस उस एक व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति हो तुम खुद। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पडीडे हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। किसी दूसरे के नजर में तुम हीरो बनो या ना बनो, पर ऐसा कुछ जरूर करना जिससे तुम्हारे माता पिता और बच्चे तुम्हें अपना हीरो माने। ज्ञान से पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसों से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है। वक्त अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है, अच्छा वक्त दे जाता है, बुरा वक्त कुछ सीखा जाता है। जो कहते थे प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैंने उन्हें भी पैसों के लिए रिश्ते बदलते देखा है। पैसों के लिए माता पिता को छोड़ने वाला करोड़ों कमाकर भी खुश नहीं रह सकता। जज्बा अगर जीत का हो तो हालात कैसे भी हो मायने नहीं रखता। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। क्यों डरते हो जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को विचलित करेगी। कड़ी मेहनत सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना सफलता संभव नहीं है। अगर सफलता ना मिले तो लक्ष्य ना बदले, लक्ष्य तक पहुंचने वाला रास्ता बदले। असफलता से निराश ना हो, असफलता को गुरु मानकर सीखे। जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं, कल वो जेब में होगा। उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा, और जिंदगी की नाकाम चाल तो देखो, वो डालती रही कांटे और मैं कुचलता रहा। हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, वरना दुखी मन के आगे तो समंदर की क्या औकात है। जब मंजिल तय हो जाए तो रास्ते मत देखना, अपना रास्ता खुद बनाना, कोशिश करना और जीत जाना। अगर तुम्हें सिर्फ मतलब है कामयाब होने से, तो फर्क नहीं पड़ता फिर किसी के साथ होने या ना होने से। हर परिस्थिति में हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि मौका कभी भी मिल सकता है, बस तुम चूकना मत। बुरी सोच को जिसने भी पला, जीवन की गंगा को बनाया नाला, अगर कर्म ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। वक्त का तो सिर्फ बहाना है, असल में इंसान और उनके खुद के हालात बदलते हैं, वरना वक्त तो कल भी वही था और आज भी वही है। कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, न जाने तुम कितने लोगों की उम्मीद हो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं,
तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होन दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। जुबानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद दोषी हो। जब तक सही इंसान नहीं मिल जाता है तब तक अकेला रहना ही बेहतर होता है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानी होने लगती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूं। इस प्रकार जब भी धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में होता है, तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु यहां जन्म लेते हैं और अपने ज्ञान की वर्षा करके मनुष्यों की रक्षा करते हैं। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। जहां व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, तो वहीं अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मन रूपी पात्र में किसी के प्रति विश्वास नहीं है तो वहां प्रेम भी नहीं ठहर सकता है। मनुष्य को अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और समाज के लिए कार्य करना चाहता है, उसे बिना आशक्ति के कार्य को निष्पादित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे झांत होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो यह हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो।
अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता, इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल, जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूं। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। इंसान जब भी किसी गलत कार्य को अंजाम देता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, लेकिन वह ऊपर देखना भूल जाता है। इस संसार में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और क्षमता होती है, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही यह तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के तीन रास्ते हैं, पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है।
Thank you.